22,494 करोड़ रुपए की लागत और करीब 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, आखिर क्यों ये इतना खास और अहम माना जा रहा है और क्यों पूर्वांचल के विकास को बढ़ने की इससे बात हो रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो पट्टी है वो भी बनाई गई है कि अगर आपातकाल में लड़ाकू विमान उतरना चाहें तो उसके लिए जो जगह है अरवल कीरी करवत, यहाँ पर 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है और इसके जरिए लगातार जो लड़ाकू विमान है वो उतर भी रहे हैं। चाहे हम राफेल की बात करें, MiG-21 की बात करें, सुखोई की बात करें या फिर बोइंग जैसे बड़े और हैवी विमानों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं और करतब दिखा रहे हैं। अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स ने बाकायदा अपना पूरा कैंप बनाया हुआ है और सभी बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखें, ना सिर्फ राडार सिस्टम बल्कि उसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं जो किसी भी हवाई जहाज या फिर लड़ाकू ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होता है। ये सभी चीज़ें टेम्परेरी बेस पर बनाई गई हैं जिससे आपातकाल में अगर ज़रूरत पड़े तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लाकर आपातकाल के पट्टी के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सके, एयरफोर्स के रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर मैं आपको इसके कुल खासियत की बात बताऊँ तो यहाँ पर 5 रैंप प्लाजा होंगे, 271 अंडर पास होंगे और ये जो पूरी 3.75 मीटर की चौड़ाई की सर्विस लेन जो है वो दोनों तरफ बनाई जाएगी। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और ऐसी बहुत सारी खासियत है जो इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती है। और ख़ास बात ये है कि ये पूरे यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो सबसे ज़्यादा लंबा है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे था और उसकी लंबाई जो है वो करीब 300 से थोड़ी ज़्यादा थी। लखनऊ से गाजीपुर के बीच में ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है, वो कई जिलों को जोड़ेगा। लखनऊ से शुरू होगा तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे है वो जाएगा। और यकीन मानिए कि इसकी दूरी, इसका रास्ता जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा और इससे लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नवभारत, सुल्तानपुर।